दोस्तों स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल का पासपोर्ट जब्त, 50,000 के इनामी खनन माफिया पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके परिवार के खिलाफ थाना बहेड तथा मिर्जापुर में दर्ज गैंगस्टरों के 2 मुकदमों में पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर हाजी इकबाल का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। वहीं उनकी पत्नी, छोटे भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली एवं पुत्रों के पासपोर्ट जब्त करने की कार्रवाई के नोटिस जारी किए गए हैं। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा दी गई जानकारी। जी, खनन माफिया, घोषित खनन माफिया हाजी इकबाल के विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इनके परिवार के कई सदस्यों के विरुद्ध भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी की पैरवी लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद को पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, जिसमें इनके आपराधिक इतिहासों का हवाला देते हुए निवेदन किया गया था कि इनका पासपोर्ट जब्त किया जाए, जिससे कि ये कहीं यात्रा न कर पाए। इस पर कार्यवाही करते हुए पासपोर्ट कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि हाजी इकबाल के पासपोर्ट के जब्तीकरण के आदेश उनके द्वारा जारी किए गए हैं और जो अन्य सदस्य हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है और जवाब दाखिल होते ही इसमें अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल जो भी आपराधिक मुकदमे हैं उसमें पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय में और अन्य जगहों पर पैरवी कर इसमें प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।